हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग भी, जैसे कि मुझे नए नए टॉपिक्स पर रीडिंग करने का शौक है, मैं टिपिकल टॉपिक्स पे भी रीडिंग करती हूँ, लेकिन आज मुझे दो तीन मैसेजेस आए और उसमें मुझे लगा कि चलो मैं इनके तमाम क्योंकि मसले तो हल कर ही रही थी, देन आई थॉट इट मस्ट बी अ कलेक्टिव इशू। तो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं और अपने डिसीजंस पर बाज़ दफ़ा उनको श्योरिटी और कॉन्फिडेंस नहीं होता। रीडिंग आपका टाइटल आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि क्या आपको अपने रिलेशनशिप पर, जो जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप रहा, उसका जो भी नतीजा रहा, आपकी सेपरेशन हो गई, आपका ब्रेकअप हो गया, तो आपको, आपके पर्सन को नहीं, आपको कोई रिग्रेट है, कोई डाउट है कि आपने ये डिसीजन सही नहीं किया, कि यू नो यार शिट ये चीज़ रह गई, तो कुछ इस तरह की चीज़ें। और जब तक रह जाती हैं तब तक आप फिर उस पर्सन को नहीं भूलते, और जब तक आप नहीं भूलते तब तक आपकी हीलिंग नहीं होती, फिर आप अपनी लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप को कैरी नहीं कर पाते क्योंकि आप इंटरनली कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जब मैं कार्ड्स रिवील करूँगी तो पता चलेगा कि क्या आपको कोई रिग्रेट है अपने रिलेशनशिप के ख़त्म होने पर। ख़त्म आपने खुद किया, ख़त्म वो हो गया, ब्रेकअप हो गया, जो भी हो गया, क्या आप सेटिस्फाइड हैं या आपको डाउट है अपने रिलेशनशिप के रिजल्ट्स पर। ठीक है, ये पहली दफ़ा कर रही हूँ मैं, और मुझे जब जब पर्सनल रीडिंग कर रही होती हूँ, लोगों की प्राइवेट रीडिंग्स कर रही होती हूँ, तो उस वक्त मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं पिक कर लेती हूँ कि पीपल आर स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग एज वेल। तो मैंने कहा चलें बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी क्योंकि जनरल रीडिंग है। मैंने कुछ लोगों की प्राइवेट रीडिंग की है, वह वीकडेज पे मैं नहीं कर पाती, फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा रीडिंग्स नहीं ले पाती, प्राइवेट सेशंस नहीं दे पाती, लेकिन मैंने एक डेढ़ हफ्ते से मैं जितनी रीडिंग्स ले रही हूँ तो उसमें मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये जनरल प्रॉब्लम है। तो कलेक्टिव रीडिंग पर इस पर कोई डिसीजन मत बनाइएगा बिकॉज ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव होगी। आपकी जब कभी भी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज हो सकता है बिकॉज आप इससे रेजोनेट ज़रूर करेंगे, लेकिन इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तभी आप किसी डिसीजन पर, किसी कंक्लूजन पर पहुँचिएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले, टाइटल दरअसल बाज़ दफ़ा इतने लंबे हो जाते हैं कि उनको बार बार बोलना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, और थंबनेल में इतना वो आई कैचिंग और इतना अपीलिंग नहीं होता, लेकिन वीडियो में उसको मैं प्रॉपरली एलैबोरेट भी कर देती हूँ, एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि ये मैं वो रीडिंग कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप रहा है, लव रिलेशनशिप जो इंटेंस रहा है और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो डेफिनेटली उसके सक्सेसफुल ना होने में आपका और आपके पर्सन का रोल होगा। तो क्या आप उसके रिजल्ट से, उसके फैसले से, जो इस रिलेशनशिप का फैसला हुआ उस पर आप सेटिस्फाइड हैं या आपको कोई डाउट्स होते हैं, कोई रिग्रेट्स होते हैं? ठीक है, आई होप मैं अपना पॉइंट क्लियर कर सकी हूँ। टेस्ट करते हैं, टेस्ट नहीं चेक करते हैं। चलिए जी, विदाउट एनी फर्दर डिले प्लीज़ गिव मी आंसर्स के मेरे व्यूअर का जो भी रिलेशनशिप रहा उनको अपने उस रिलेशनशिप के ब्रेकअप पे, सेपरेशन पे, डिसीजन पे कोई डाउट है, कोई रिग्रेट है या नहीं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप को देखेंगे कि किस तरह का आपका रिलेशनशिप रहा। Let me know about the relationship. Page of Cups, Three of Cups, Three of Wands. Three और three किसी के लिए बहुत significant number हो सकता है। तीन साल तक की बात हुई होगी। Three और three six years चला होगा ये। तीन साल दोस्ती के, तीन साल relationship के रहे होंगे। Age का difference आप लोगों में नज़र आ रहा है। आप लोग अपने friends के ज़रिए कहीं मिले थे और आपको इन दी एंड ऐसा भी फील कराया गया कि जैसे आप तो फ्रेंड जोन में रहते हुए आपकी कैसी इतनी, मतलब आपने कैसे सोच लिया कि फ्रेंड्स होते हुए आप लवर्स तक पहुंच सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर्सन आपके टाउन और सिटी में नहीं रहते। फंबलिंग हो गई, किसी ने कमेंट में किया था बड़े दिनों से आपने फंबल नहीं किया, हो गया। शायद आप ट्रैवल कर गए हैं, अब आप उस शहर में, उस टाउन में, उस सिटी में नहीं रहते, अब आप किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, या आपके पर्सन हैं।
बहुत यंग एज पे आपके साथ ये अफेयर हुआ था, और विद द पेज ऑफ कप्स शायद आपने ही इनिशिएट किया था, आपने आप ओपन हुए थे इस पर्सन के सामने, या ये आपका क्रश था लेकिन क्रश होते होते इसमें इंटेंसिटी बढ़ी, और दोस्ती तो ज़रूर, दोस्त का कोई इसमें खेल ज़रूर है, किसी फ्रेंड के ज़रिए आप या तो किसी के साथ मिले या आपका कोई फ्रेंड इनको लेके ले उड़ा और आप देखते रह गए, और जो भी टाइम आप लोगों ने गुजारा, आप लोग कोलीग्स भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी मेट, कॉलेज मेट हो सकते हैं, आप लोग यंग स्कूलिंग से होते होते आप लोगों ने रिलेशनशिप को आगे प्रोलॉन्ग किया, लेकिन आपका रिलेशनशिप जो भी अब इस वक्त मैं देख सकती हूँ, डेफिनेटली आप दोनों साथ में नहीं हैं, और बट दिस पर्सन स्टिल मिसेज यू, ये पर्सन आज भी आपको मिस करता है, आज भी आपको दूर से सोचता है, आपको भी इसके वेयर अबाउट्स का कुछ कुछ पता है, एंड कभी कभी ये पर्सन कोशिश करता है कि आपसे कांटेक्ट करे, हल्की फुल्की, आप लोगों की बहुत हल्की, बहुत ही फुल्की, इतनी हल्की कि बिल्कुल फुल्की किस्म की आप लोगों की बातचीत हो भी जाती है, बट इतनी ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन और इतनी डीप नहीं होती कि आप कहीं पुरानी बातों तक पहुंच सकें, यानी बहुत जल्दी हाय हेलो होके ख़त्म हो जाती, अगर तो होती है तो। कोई फ्रेंड है, कोई म्यूचुअल पर्सन, कोई तीसरा पर्सन बीच में ज़रूर है जो कि आप दोनों को एक दूसरे की खबरें देता रहता है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये एक्चुअली वो पर्सन है जो स्पाई है, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है, और दोस्त के ही ज़रिए आप या तो मिले या दोस्त ही आपका इनको ले उड़ा, कुछ आपके पास सरप्राइज एलिमेंट ज़रूर आया, बट ये बहुत पुराना और बहुत ही कच्ची उम्र वाला मोहब्बत आप जिसको कह सकते हैं, तो रिलेशनशिप आपका कुछ यूँ नज़र आ रहा है। लेट्स सी क्या सिचुएशन रही थी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, नाइट ऑफ कप्स, अच्छा जनाब, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, आपने इस पर्सन को अपने सामने ही थर्ड पार्टी में होते हुए देखा और अफेयर देखा इनका आपने, शायद आप इनसे मोहब्बत करते थे और आपने इतना ओपनली कन्फेस नहीं किया था, लेकिन इस पर्सन ने ये सेंस कर लिया था कि आपको इससे बहुत मोहब्बत है, इसने आपके होते हुए साइड में काफ़ी चक्रम पकरम, काफ़ी चक्कर चलाए हैं, और विद द एस ऑफ वॉन्ड्स बड़ा जोशीला किस्म का, बड़ा फ्लर्टिशियस किस्म का रिश्ता आप लोगों का रहा, जिसमें सॉरी हमेशा आपको करना पड़ता था और आप अपनी फीलिंग्स बड़ी प्रोटेक्ट करके रखते थे, बिकॉज़ आपको बहुत डर लगता था कि अगर आप ओपन अप हुए तो शायद बहुत सारे मुहाज़ खुल जाएंगे, आप उस वक्त तक अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने ख़ानदान वानदान, बरादरी के लोगों से शायद बहुत ज़्यादा डरते थे, आपको इतना ज़्यादा यकीन नहीं था कि मोहब्बत की इजाज़त आपको भी है, आप छुप के ये रिलेशनशिप चला रहे थे, और फिर उस दौरान आपको ये भी पता चला कि ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और भी है, इनफैक्ट ये मैरिड हैं, विद द फाइव फिफ्थ नंबर फेथ, इट्स अ हैरोफेंट कार्ड, और मैरिड होते हुए इनके बच्चे भी हैं, आपको ये भी पता चला, बट ये इतने मैनिपुलेटिव वे में आपको ये बात पता चली कि आप समझ ही नहीं सके कि आप जो हैं वो डिच्ड हो गए हैं, एंड विद द थ्री ऑफ कप्स नाउ आई कैन सी इट वॉज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और आपके लिए सेफ ये रहा कि आप बहुत गार्डेड चले, आप एक तो वैसे ही बहुत गार्डेड चलते थे रिलेशनशिप को लेकर बिकॉज ऑफ योर फैमिली एंड द पीपल अराउंड यू, ऊपर से इस पर्सन को भी कुछ कुछ ये होता था कि शायद ये वन साइडेड है और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी तो इसमें नहीं है, तो इसको ही बार बार ये बात फील कराते रहो कि इसकी थोड़ी सी कुछ गलती है, ये कुछ शायद एक्स्ट्रा सोच रही है या सोच रहा है, तो फ्लर्ट करना तो सभी को अच्छा लगता है, इसको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, यानी हर चीज़ बड़े म्यूचुअल कंसेंसस से हुई, लेकिन जब वो फाइनल डिसीजंस की तरफ कभी टॉपिक आने लगता था तो आपके ऊपर ये ब्लास्ट हो गया कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। कल्चरली आप दोनों बहुत डिफरेंट थे सेक्टेरियन लेवल पर, बिकॉज़ यहाँ तो रिलीजन ही बिल्कुल सिरे से डिफरेंट है,
और एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत बड़ा या तो बहुत ही बड़ा था या तो कोई बहुत ही छोटा था, लेकिन आपकी लाइफ का ये मुझे बहुत कच्ची उम्र का मोहब्बत लग रही है। और आपने बहुत दुआएं भी की, आपको बड़ा यकीन रहा इस रिश्ते पे, बिकॉज़ आपके लिए ये रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। इवन आपने यहाँ तक कह दिया होगा कि आई कैन लिव अ सीक्रेट रिलेशनशिप लाइफ, और सीक्रेट रिलेशनशिप रख लेते हैं मैं, मुझे मतलब बच्चे भी हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नो, बहुत बहुत एक्सट्रीम तक आपकी फैंटेसीज चली गई थी। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सामने रिग्रेटफुल बॉडी लैंग्वेज तो इसकी होती होगी, लेकिन मास्टरमाइंड, अच्छा प्लेयर, अच्छा दिमाग इस इंसान का, कि आप इसको क्लेम नहीं कर सकते, आप इसको ब्लेम नहीं कर सके कि इसने आपके साथ कुछ ऐसा किया। तो ये तो आपका रिलेशनशिप पूरा रिवील हो गया, ये ट्रेड्स पता चल गए, ये बातें पता चल गई, ये चीज़ें पता चल गईं। अब आते हैं असल क्वेश्चन पे, कि अब तो आप साथ नहीं हैं, ठीक है, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, तो आपको अब रिलेशनशिप में कोई डाउट, कोई रिग्रेट है या नहीं? अब आते हैं असल सवाल पर, डू यू हैव एनी डाउट? क्या मेरे व्यूअर को कोई डाउट या कोई रिग्रेट है इस रिलेशनशिप की एंडिंग पर? प्लीज गिव मी कार्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, इट वॉज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप था, आपको बीच में बड़ा रिग्रेट हुआ, बीच में बड़े टूटे आप, जब तक आपके ऊपर हकीकत रिवील नहीं हुई। इस वक्त जो आपकी पोजीशन है वो एक विक्टोरियस पर्सन की है, लेकिन आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में वो तकलीफ़ और वो दुख नहीं भूल सकते जो इस इंसान ने आपको दिया है। आपको रिग्रेट कोई नहीं है, आपको डाउट कोई नहीं है, इनफैक्ट आपको यकीन है कि इसका गरेबान पकड़ा जाएगा, ठीक है। आपने इसके वहाँ से झूठ पकड़े जहाँ से इसकी सोच नहीं थी। ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक उल्लू और लल्लू बनाता रहा, और इस पूरे दौर में जब तक आप लल्लू उल्लू बनते रहे, ये आपकी ग्रोथ को इसने बहुत विटनेस किया है। विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट लुक्स लाइक के आउट ऑफ सो मैनी सिचुएशंस, आप को सिर्फ ये बताता कि हम थर्ड पार्टी में रहे, हाँ इसकी शादी हुई हुई थी, हाँ इसके बच्चे थे, हाँ इसकी पहले से फैमिली थी, आपकी भी शादी हो गई, आपकी शादी काफ़ी अच्छी चल रही है विद द टेन ऑफ कप्स, लेकिन आप अपने आप को इससे कंपेयर करते थे, आपको लगता था कि दिस इज द परफेक्ट पर्सन और मुझे इस जैसा होना है, बिकॉज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप था। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता घसेट होता है ना, कि साइड में कॉर्नर कर रहे हैं, हर चीज़ में कटाओ, कट्टू, हर चीज़ में कट्टू 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 कट्टू, वो कट्टू होते 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 आपकी सुई आकर अटकी कि भाई मसला क्या है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का घाव जो है, ये तो डे वन से पता था, तो फिर कीड़ा कहाँ पे काट रहा है। एंड देन यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द ट्रुथ, और उस ट्रुथ को पता चलने पर जो आपको इस पर्सन की इतना शेडो पता चला, इस पर्सन के ड्वेल फेसेस पता चले, इस पर्सन का आपको जो कुछ भी था, वो जो कुछ भी इसके मुतालिक आपको पता चला, देन यू रियलाइज दैट इसके मतलब ये ट्विन फ्लेम होते हुए क्या मेरे अंदर बुराई थी, मैं ऐसा था या मैं ऐसी थी कि ये मेरा ट्विन फ्लेम इतना वर्स था, मेरा वर्स साइड इसके साथ, यानी आपका वो कॉन्टेम्पलेशन फेज जो था उसमें, उस दौरान, उस वक्त ये पर्सन पूरा टोटल रिवील होकर आपके सामने आ गया। और ये जो ट्विन फ्लेम था, इसने अपने दौर की एक सक्सेस देखी, और जब ये अपने डाउनफॉल पर था तो ये आपके दौर की सक्सेस को विटनेस कर रहा था। उसी दौरान इसकी अपनी हकीकत रिवील हुई, और आपको कोई डाउट और रिग्रेट इस वजह से नहीं हुआ कि डिवाइन टाइम पर आपको सक्सेस बड़े राइट टाइम पे मिली। हाँ, तकलीफ़ आप आज तक अपनी नहीं भूलें, कभी भी नहीं भूले आप अपनी वो तकलीफ़, और ना आप भूलेंगे,
वो आपने किसी के खाते में लिख दिए कि उसका हिसाब तो रोज़े महशर वाली बात है। अब आपको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, उसका कोई कार्मिक रिजल्ट नहीं चाहिए। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बात है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको एक डिसेप्टिव एनर्जी में रहते हुए इनके मुतालिक पता चला, बट पता चला एंड देन ऑटोमेटिकली रियलाइज के ठीक है, आई हैव नो डाउट्स एंड रिग्रेट्स अबाउट दिस रिलेशनशिप बिकॉज आई एम ब्लेस्ड। तो अल्लाह ने काफ़ी साथ दिया आपका, वरना अगर अल्लाह आपके राइट टाइम पर आपके राइट डिसीजंस में आपकी सपोर्ट आपको गाइड ना करता तो आप शायद अपनी ज़िंदगी का कुछ खराबा कर लेते। अभी आपको मुझे नहीं लगता कि आप इन कार्ड्स को देखते हुए कि आपको कोई चेजिंग, आपकी कोई चेजिंग एनर्जी है। लेट्स सिचुएशन लव ओरेकल डेक को यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आंसर्स आते हैं। अभी आपको कोई रिग्रेट नहीं है, आपको कोई डाउट नहीं है, यू डोंट हैव एनी सिंगल डाउट अबाउट कि ये जो भी हुआ। इनफैक्ट आपने डिवाइन के सामने सरेंडर किया एंड यू फील के ऊपर वाला जो करता है विद द 10 ऑफ कप्स ठीक करता है, बिकॉज नाउ द काइंड ऑफ अ फैमिली यू हैव, द काइंड ऑफ अ लाइफ यू हैव, द काइंड ऑफ विक्ट्री यू हैव, द काइंड ऑफ अबंडेंस यू हैव, वो शायद इस पर्सन के साथ अगर होती आपकी ज़िंदगी तो ना मिल पाती। बिकॉज एक तो फिर सिचुएशन ही अलग होती, वो सिचुएशन इस तरह की होती कि फिर तो लोग उस कैटेगरी में ले लेते कि शादी हुई, रिश्ता हुआ, मोहब्बत हुई और शादी हो गई तो रिश्ता अमर हो गया, तो वो तो फिर समझ ही ना पाते आप। इस रिश्ते में रहते हुए आपने अपने आप को पहचाना, तो जब आपने अपने आप को पहचाना तो अब आप इस बात को सोचने के लिए सोचते हैं कि मेरी लाइफ में जो मेरा लव रिलेशनशिप रहा उसमें मुझे कोई रिग्रेट या डाउट है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जो मैं जो कुछ भी देख रही हूँ कोई डाउट और वो नहीं है। एक ये चीज़, ये राज आपके साथ ज़रूर है जो शायद आप ही इस राज को जानते हैं और ये आपके साथ कब्र तक जाएगा। आप अब इस चेजिंग मोड में नहीं है, बीच में आप रहे हैं चेजिंग मोड में। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स आपने छुप के काफ़ी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी और उसी इन्वेस्टिगेशन में जब आपको तफसील से तकलीफ़ पता चली, जो इतना तक तक पे मैं अटक गई थी, वो इस वजह से क्योंकि उस तकलीफ़ ने आपको ये रियलाइज़ कराया कि मेरी लाइफ के ये इस रिलेशनशिप में मेरी सक्सेस हुई है या मेरा फेलियर हुआ। लेकिन डिवाइन टाइमिंग में जो आपकी शादी हुई, आपकी लाइफ सेटल हुई, आपको जॉब मिली, आप अबंडेंट हुए विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे आप बहुत सेटल्ड पर्सन लग रहे हैं। आपके ऊपर लोग काफ़ी आप पे नज़र रखते हैं, आपको लोग समझते हैं, लोग आपको सक्सेसफुल समझते हैं, विक्टोरियस समझते हैं कि आपने ज़िंदगी अच्छी जी है। लेट्स सी, हैप्पीनेस एंड जॉयस, प्लेफुलनेस, इंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। ये पर्सन आपको याद करते हैं अपना वो टाइम जो आपके साथ इन्होंने गुजारा और वो इनको जन्नत से कम नहीं लगता। इनको वो टाइम इतना ज़्यादा याद आता है कि कभी कभी आपको भी वो वाइब फील होती होगी एंड कभी आपको भी अच्छा फील करना होता है ना तो आप अच्छा गुड टाइम याद करते हैं, आप रिग्रेट टाइम याद नहीं करते कि अगर हम एक हो जाते तो क्या होता। तो यू टेक इट पॉजिटिव, सोलमेट्स, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, ये एक ख्वाहिश, एक डिज़ायर, एक विश ज़रूर हो सकती है, बट नाउ आई थिंक यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट। और आपका जो पार्टनर है, जो आपका इस वक्त स्पाउस है या इस वक्त जो आपके साथ रिलेशनशिप में, वो आपको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझता है क्योंकि आप एक बहुत विक्टोरियस पर्सन हैं और आपका ये वाला एक्सपीरियंस जिसके ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ, इसने आपको दूसरों की नज़रों में बड़ी इज्जत दी है। वो ट्विन फ्लेम वाली बात आ जाती है ना, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ। आप अपने में मस्त हो चुके हैं, आप शायद कुछ अपना काम शुरू कर चुके हैं, छोटा मोटा ही सही, लेकिन आपने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया है, अपनी अर्निंग स्टैब्लिश की है और आपने बड़े, आप इन पत्थरों को देखें, ये जो पेबल्स नज़र आते हैं इनको बैलेंस करना आसान बात नहीं होती। आपने अपनी स्टेबिलिटी ऐसी चीज़ों के साथ मिलकर करी है कि जिनको संभालना बड़ा कमाल की बात थी, लेकिन आपने किया है। आपने अपनी जॉब पर, अपनी फैमिली पर, अपने इन लॉज में, अपने सिबलिंग्स में परफॉर्मेंस देकर प्रूफ किया है कि मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है, अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देता है क्योंकि आप लग पड़े थे ना अपने आप को अच्छा बनाने में, तो उस अच्छा बनाने में उसकी हकीकत तो सामने आ गई, लेकिन आपके साथ जो कुछ ब्लेसिंग होती रही वो एक अलग ही लेवल की होती। नाउ लेट्स टेक द लास्ट कार्ड, की ऑन अ रिंग।
मैनी ऑप्शंस अनकन्वेंशनल वन नाइट स्टैंड स्ट्रिंग अलोंग. बड़े बहुत सारे लोग आपके ख्वाहिशमंद हैं, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में इनके बाद भी आए. देख लीजिए, क्लैरिटी एंड ट्रूथ रिविलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन, साथ दिया अल्लाह ने आपका इस हकीकत को जानने के लिए. और ऊपर वाले के साथ की वजह से, बिकॉज आप ऑनेस्ट थे, और ऑनेस्ट होने की वजह से जब आपको कोई क्लू इस पर्सन की तरफ से नहीं मिला तो आपका साथ ऊपर वाले ने दिया, और आपको ऊपर वाले ने सब कुछ बता दिया कि इस रिलेशनशिप की हकीकत क्या है. तो आपके लिए इस रिलेशनशिप को फिर डील करना, और इसके लिए जो आपने फैसला किया उसमें आपको कोई रिग्रेट और कोई डाउट नहीं है. इनफैक्ट आपके बहुत सारे लोग आपके वेल विशर्स हैं. की ऑन अ रिंग, यू नो, मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे लोगों ने आपको पाने की, अपनी ज़िंदगी में लाने की ख्वाहिश की, लेकिन तप्पड़ उनमें नहीं था, बिकॉज यू आर अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू हैंडल. टू गुड टू बी ट्रू वाली बात है आपके अंदर. तो कोई डाउट नहीं है भाई आपको, कोई रिग्रेट नहीं है, शुगर कोटेड रीडिंग नहीं है, क्योंकि मैंने जो बिगिनिंग से लेकर आखिर तक आपको सब कुछ बताया है वो कार्ड्स के ही थ्रू बताया है. किसी के तजुर्बे पे रख के नहीं बताया, किसी की रीडिंग के ऊपर रख के नहीं बताया. जो कार्ड्स आते गए मैं एक एक कार्ड खोलती जाती हूँ, पहले उस एक कार्ड को इंडिविजुअल बेसिस पर एक बताती हूँ, फिर उसको ब्लेंड करती हूँ जो उसके आगे पीछे कार्ड आए होते हैं. तो जो कुछ भी आपको बताया है, आपने अपने इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी फैसला किया है उसमें आपको इस वक्त मुझे लग रहा है कोई डाउट और कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज यू हैंडल इट वेरी वेल. और आपका साथ, आपको कोई डिवाइन सपोर्ट मिली, और आपके पास इस वक्त बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी बेसिस पर आप इस पर्सन को भूलने में आपको सपोर्ट मिली है. तो ठीक है, नहीं हो सका कामयाब रिश्ता, लेकिन उसके अलावा जो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आईं उस पे शुक्रगुजार होना अल्लाह के सामने बहुत 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 बड़ी बात है. एंड आई थिंक ये जो ग्राउंडिंग की बात है, पैराडाइज की ऑन अ रिंग, यू नो, दिस इज़ all good things in your life. So stay happy, be happy, take best care of yourself. Don't think more about regrets, think about positivity, think about success and achievement, and you have achieved a lot. All right, take best care. Bye bye.